गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी रही आपकी ट्रेडिंग? आई होप आपने भी आज पैसा बनाया होगा। सुबह मैंने अपने वीआईपी मेंबर्स के साथ में लाइव ट्रेडिंग किया था और आप होप आपने भी हमारी जो बैंक निफ्टी की जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है उसको यूज करके पैसा बनाया होगा। 3 मिनट के चार्ट के ऊपर सुबह सुबह आपको मार्केट के अंदर एक अच्छी ट्रेड मिली। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छा पैसा मिला, टोटल 140 पॉइंट के आसपास आपको मिले। उसके बाद मार्केट में मैंने ट्रेड करने के लिए मना किया था, मार्केट ने एक बैरिश फ्लैग का बेसिकली फॉर्मेशन किया, ये आप देखेंगे बैरिश फ्लैग, और उसका ब्रेकडाउन के बाद इसने इसका रिटेस्ट किया, नीचे की तरफ आया, लेकिन इसने इसका टारगेट कम्प्लीट नहीं किया विच इज़ पेंडिंग। बैंक निफ्टी कभी भी अपना बैरिश फ्लैग का टारगेट नहीं देता है और क्लोज करता है तो क्या होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अक्सर ऐसा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या होता है वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पता करके बताएगा। निफ्टी की मैं बात करूँ, निफ्टी ने तो बहुत अच्छा किया। मैंने लाइव ट्रेडिंग किया था जब लोग सबके सामने यूट्यूब के ऊपर, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ट्रेडिंग विद तरुण। 18,000 के आसपास लोग हैं और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी वजह से। हमने लाइव ट्रेडिंग किया था सबके साथ और लाइव ट्रेडिंग के अंदर ही आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि निफ्टी एक बैरिश क्या कहते हैं ये पैटर्न बना रहा है, इसको हम बोलते हैं बैरिश फॉलिंग वेज, और ये एक पॉजिटिव पैटर्न है। अगर और अक्सर ये ट्रैप पैटर्न होते हैं, राइजिंग पैटर्न वेज और फॉलिंग वेज एक ट्रैप पैटर्न होते हैं और नीचे की तरफ दिखा के ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन देते हैं। इसीलिए सेम चीज़ किया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाया, ऊपर की तरफ उसने ब्रेकआउट दिया और इसने अपना 100% टारगेट अचीव किया। 100% इसने टारगेट अचीव किया, उसके बाद में नीचे रिजिस्टेंस खा के गिरा, वो बात की बात है, लेकिन इसने अपना टारगेट ऑलरेडी दे दिया। यहाँ पर कोई करंट सेटअप नहीं बन रहा है इसके हिसाब से, लेकिन देखते हैं कि क्या सेटअप बन रहा है, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं करता हूँ इसको डिलीट, इसको करता हूँ डिलीट और आपको डेली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर आ गए। आज एक बनी है गाइस रेड कलर की कैंडल और ये रेड कैंडल कहाँ पर बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। मार्केट आ चुका है एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर जिसको तोड़ना थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल होगा। मैंने आपको बोला था कि 38% से 50% की जो जर्नी होती है वो काफ़ी तेज होती है और हो सकता है कि आपको एक बड़ा गैप डाउन मिले 50% के पास और मार्केट उसको टच करे। इसने 50% पर ही मार्केट को खोला विच इज 35,136 के आसपास और मार्केट ने वहाँ से फॉल लेना शुरू किया, ठीक है, और मार्केट ने वहाँ से फॉल लेना शुरू किया और मार्केट वहाँ से गिरी है। बहुत लोगों ने अच्छे पैसे बनाए, ठीक है। अब जो हमारे पास ट्रेड निकल के आ रही है गाइस वो आ रही है क्योंकि इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला है। जो मेरे फिबोनाची के स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको बताया था फिबोनाची का कोर्स अगर आपने नहीं लिया है तो आप टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, डाउनलोड करो और फिबोनाची का कोर्स जो अवेलेबल है, इधर है भाई फिबोनाची का कोर्स, ये देखेंगे तो फिबोनाची, ठीक है, और ऑन अ डिस्काउंट ऑफ 70%, ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट, जस्ट 300 रुपीज़ में मिल रहा है, एक बार ये देख लेना, मज़ा ना आए बताना। उसके हिसाब से जिन जिन लोगों ने रिस्की ट्रेड की एंट्री ली होगी, इस कैंडल को खुलते के साथ में ही सेल किया होगा, उन्होंने दो नेक्स्ट वीक की मंथली की एक्सपायरी की डेफिनेटली पोजिशन बनाई होगी, उनके लिए बहुत अच्छे टारगेट है नीचे की तरफ। लेकिन सेफ ट्रेड रेगुलर ट्रेड कहाँ बनती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मार्केट जैसे ही आपके 33,667 के नीचे कोई भी डेली कैंडल की क्लोजिंग देती है, आपकी एक स्विंग ट्रेड बनेगी और आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनेगा वो 1:3 का बनेगा, बहुत अच्छा शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का हाई, ये जो कैंडल है आपकी इसका हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट रहेगा इस स्विंग का लो नीचे की तरफ, ठीक है, 32,000 के आसपास रहेगा। ये देखेंगे तो 1:2.86 के आसपास का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनता है। ये याद रखना कि आपको कहाँ बाय करना है, डेली कैंडल क्लोज होने पर 33,667 के नीचे डेली कैंडल क्लोज होती है तो बाय करना है। पहला टारगेट रहेगा 33,128, दूसरा टारगेट रहेगा 32,256 का। ये पोजीशन तभी कैलकुलेट होती है जब मार्केट इसके नीचे कोई क्लोजिंग दे देती है। ऑफकोर्स ये रिस्की ट्रेड है लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। निफ्टी इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्गर, इसलिए मैंने पुट की पोजीशन बनाने के लिए भी मना किया था। निफ्टी के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें, इसको डिलीट करते हैं, डिलीट, ठीक है, मार्केट को एज पर प्राइस एक्शन 15,989 को पहले टच करना चाहिए। तो इसकी बदौलत जब तक ये जो आपकी फिबोनाची की ये लाइन आपको दिखाई दे रही है 45 डिग्री वाली, मार्केट इसके ऊपर है, एवरीथिंग इज सेफ,
मार्केट जिस दिन इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, मार्केट आपको बेरिश होती हुई दिखाई देगी, जिसका आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जब तक इसके ऊपर है आपको सपोर्ट लेती हुई दिखाई देगी इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, जैसे ही इसके ऊपर नीचे तोड़ती है आपको नीचे के लेवल दोबारा से दिखा सकते, ठीक है। तो अभी क्या है, निफ्टी के अंदर अनडिसाइसिव बट बुलिश, क्योंकि इसके ऊपर है। बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा सीन नहीं है, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो इसके नीचे ही आई है, तो मार्केट इसके ऊपर और बुलिश होती सकती थी, इसने इसके उसको टच भी नहीं किया एक तरीके से अगर आप देखो, तो उसके हिसाब से आप अभी भी ठीक है, सेफ है। करते हैं बीट और देखने की कोशिश करते हैं लेवल्स क्या निकल के आपको जो लेवल्स दे देगा, ये आपके सामने लेवल्स हैं ऊपर के, ऑफकोर्स जो ट्रेड बनती है पैटर्न के हिसाब से वो यही बनती है। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन के पास आके अपना काम किया और ये रेजिस्टेंस जोन को मैं कर दूंगा ग्रीन, क्यों कर दूंगा गाइस, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर आ चुका है, मार्केट इसके ऊपर खुली वापस आई रिटेस्ट करने, यहाँ पर इसने ग्रीन लिया, ये वापस तोड़ के ये जोन तोड़ती है तो इसके टारगेट अभी भी ऊपर के एज पर द पैटर्न, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न है ब्रेकआउट है उसके हिसाब से इसका टारगेट 34,681 के आसपास का दिखा रहा है एज पर प्राइस एक्शन, जो टारगेट है हमारे टारगेट एज इट इज रहने वाले हैं, टारगेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसको बंद कर, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मार्केट में अगर आपको सेलिंग करनी है तो 33,732 के नीचे ही आपकी सेलिंग की पोजीशन बनती है, ये रीटेस्ट करने वापस आ सकता है, तो आपका टारगेट बनेगा 33,388 के आसपास का, बड़े लेवल्स हैं और उसके नीचे आपको और लेवल्स मिल जाएंगे। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी ने क्या किया, हमारे लेवल बने हुए, मैंने आपको बड़े लेवल दिए थे, निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया अपने अपने पॉइंट के ऊपर, इसका टारगेट भी अभी अचीव नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये वापस गिरता है तो 730 के आसपास फिर से बाउंस मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि 16,181 के लेवल इसके पेंडिंग है एज पर दिस पर्टिकुलर पैटर्न जिसका इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। हैविंग सेड दैट, मंडे आपको ट्यूसडे के दिन कैसे ट्रेड करना है, ट्यूसडे के दिन ट्रेड करने के लिए आप ये वाले लेवल यूज करेंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स यूज करेंगे। तो ये लेवल्स क्या हैं तो मैं मार्क करके आपको दिखा, फिबोनाची के जन्मो जन्मांतर युगो युगांतर से चले आए हुए लेवल्स हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं, मार्केट यहीं पे ऊपर नीचे कर रही है तो हम इसको एज इट इज यूज कर रहे हैं। 33,775 के नीचे मार्केट अगर आपको कोई भी 5 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, अब बाई कीजिए पुट, 33,685 पहला टारगेट, 33,515, 33,405 और 33,291 आपके टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे और उसके नीचे आपका 33,000 का टारगेट रहेगा। इसको मैं कर दूंगा कलर नीचे मुझे मार्केट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसको करेंगे हम रेड और मार्केट ऊपर की तरफ कहाँ बाय करना है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा ऊपर का टारगेट जरूर दे रहा हूँ, बाइंग बिल्कुल मत करना, 33,000-4,000 के ऊपर ही बाइंग बनती है, उससे पहले कोई बाय नहीं बनती है। अगर थोड़े से पॉइंट जाते हैं तो जाने दीजिएगा, पहला टारगेट है आपका 34,114 का और इसके ऊपर मार्केट आपको रैली दिखाएगी, इसके ऊपर मार्केट आपको एक अच्छी रैली दिखाएगी, बड़ा टारगेट आएगा 366 का, तो यहाँ पर 200-250 पॉइंट की रैली आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, इसको 146 के जो आज का हाई है उसको मान लेते हैं, 146 के ऊपर जा सकती है मार्केट और उसके बाद हमारी आएगी पर्पल लाइन, ठीक है। पर्पल लाइन का टारगेट क्या है, 34,500 का, इसके ऊपर थोड़ा मार्केट जाना मुश्किल है, तो वो देखते हैं मार्केट के लेवल जो रहेंगे मंडे के, वो ये रहेंगे। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ लेवल्स के, लेवल वाइज ऊपर लाइन के पास ही आ गए, तो 15,836 क्लोजिंग दिखा रहा है, 836 के आसपास ये लेवल मान के चलो, होना यहाँ 15,770 के नीचे 735, 705, 660, 573 and 500 के टारगेट है। ये छोटे छोटे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, जो गैप्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये फिल करने की कोशिश कर सकता है निफ्टी। इफ इन केस आप यू वांट टू बाय निफ्टी, ओनली बाइंग इज अबाउट 15,887, इसके ऊपर आपका बाय बनेगा, पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा 16,000 के आसपास एक जोन में। एक्चुअली मैं इस जोन को उठा के ऊपर रखना चाहूँगा, ऊपर
14,900 के ऊपर 16,000 का टारगेट बनेगा, और 16,000 के ऊपर आपका एक टारगेट और बनेगा जो कि बनेगा 16,108 का। तो हम कर देंगे पर्पल ताकि आपको टारगेट मैक्सिमम टारगेट जो इसका है वो है 11। ये लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर आपके साथ शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है गाइस, और आनंद उठा। बात करते हैं कुछ स्विंग ट्रेड्स की, अगर आपने लिए होंगे तो स्विंग ट्रेड्स की बात करते हैं कि स्विंग ट्रेड्स ट्रेड्स में ट्रेड्स को करने की कोशिश। तो पहली ट्रेड थी गाइस हमारी IEX, आज ऊपर गैप अप ओपन हुई और मार्केट ने गैप फिल करना है, तो ट्रेड अभी भी अलाइव है इसका, तक चल रहा है। बजर फ्रेंड अगर देखें तो 6 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, इसने अभी तक एंट्री नहीं दी है, जब तक हमारी 600 के ऊपर कोई डेली आवरली कैंडल क्लोज नहीं होती है हम एंट्री नहीं लेंगे। तो बर्जर पेंट हैव नॉट गिवन एनी एंट्री। नवीन फ्लोराइन की एंट्री ऑलरेडी आ चुकी है और मार्केट अच्छा खासा चला है, भागा भी था ऊपर की तरफ, ट्रेड दिया था ऊपर की तरफ, चल रहा है 4,000 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और PVR की अगर मैं बात करूँ, PVR के अंदर कोई एंट्री नहीं बनी है और काफ़ी लोगों ने आज एंट्री अगर ली है इस कैंडल को देख के, तो गाइस मैंने आपको क्या बोला है, 1 आवर की कैंडल क्लोज होने के बाद, यहाँ पर ओपन हुई है क्लोज नीचे हुई है, 1 आवर की कैंडल जब तक हमारी एंट्री पॉइंट पर नहीं आती है कोई एंट्री नहीं बनती है, प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी पैसा बनेगा। मार्केट ने अभी तो कोई एंट्री नहीं दिया है PVR के अंदर। गोदरेज की मैं बात करूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की ट्रेड ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर गई थी वापस और नीचे आ गई, 2 रुपये ऊपर बंद हुई है। कोटक महिंद्रा हमारी बाइंग जोन के अंदर ओपन गया था लेकिन क्लोज नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं मानेंगे इसको, इसकी एंट्री भी 1714 के आसपास ही बनती है, मार्केट जब इसके ऊपर जाएगी तभी आपको बाई करना है, तो ट्रेड इज़ नॉट एक्टिव। IGL की अगर मैं बात करूँ, IGL की ट्रेड एक्टिव है और ये शायद रिटेस्ट करने वापस आ रहा है, हमें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसका स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा गाइस चेंज कर रहा हूँ, ये बेसिकली ये जो विक है इसका स्टॉप लॉस ये बनता है, तो ये मेरा फॉल्ट है, मैंने नहीं किया, ये इसका स्टॉप लॉस बनता है, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ पर बाई कर सकते पर एग्जिट कर सकते। अडानी पोर्ट की मैं बात करूँ जो हमने लिया था, आज इसने एंट्री दे दी है और ये ट्रेड जो है लॉस के अंदर है। ठीक है, यस इसने एंट्री दे दी है क्योंकि यहाँ पर कैंडल क्लोज है अपनी एंट्री पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पर लॉस के अंदर ये बंद हुआ है। ठीक है, भारतीय एयरटेल की मैं बात करूँ, भारतीय एयरटेल ने बहुत अच्छी एंट्री दी है और मेरे को जान के बहुत खुशी हुई, काफ़ी लोगों ने जब कमेंट सेक्शन के अंदर बताया ट्रेड के अंदर जो लेना है, उन्होंने बोला भारतीय एयरटेल उनको चाहिए, लेना चाहते हैं, और भारतीय एयरटेल 675 से 686 के आसपास गया, करीब करीब 11 से 12 पॉइंट उनको मिले, काफ़ी लोग ग्रीन के अंदर है जिनके थैंक यू मैसेज हो जाए। ठीक है, इसको होल्ड करेंगे वेट करने के लिए। आरती इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, आरती इंडस्ट्रीज आपको दिया था अच्छा खासा चल रहा है, 709 से 725 आ चुका है और ये भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है। ABFRL मैंने आपको दिया नहीं था तो छोड़िए। NMDC मैंने आपको दिया था, NMDC की ट्रेड एक्टिवेटेड है और चल रही है 108 से 111, 3 रुपये ऊपर, 3 रुपये 70 पैसे चल रहा है, तो बहुत अच्छा। HDFC AMC मैंने आपको नहीं दिया था तो छोड़ दीजिए, वैसे भी इसकी ट्रेड जो है वो एक्टिवेटेड नहीं हुई है, 1860 के ऊपर नहीं। बजाज ऑटो मैंने आपको ना देखे टेलीग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर दिया था गाइस, और इंस्टाग्राम के ऊपर देने के बाद आज अगर देखेंगे तो इसने भाई अच्छी खासी रैली दी थी लेकिन वो रिजल्ट हो गई, मार्केट रीटेस्ट करने है, इसका मतलब ये नहीं है कि टारगेट नहीं आएंगे या स्टॉपर्स बहुत छोटा है, 1:7.67 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, तो ये मस्ट टेक है ट्रेड थी और जिन्होंने देखी है उन्होंने, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बुक भी किया, डर के मारे निकल गए, जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा, आपको टारगेट आने की पूरी पूरी आशंका है। तो स्टेटस मैं आपको हर एनालिसिस वीडियो के अंदर देता रहूँगा इन ट्रेड्स के बारे में भी। ठीक है, कि अगर मार्केट का जो ट्रैप है वो सच है, बुलिश ट्रैप सच है, तो ये ट्रेड जीरो हो सकते हैं, इनके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, उस केस के अंदर मार्केट एक बड़ा फॉल देगा, अगर इनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट एक बड़ा फॉल देगा, लेकिन अगर ये वापस रिटर्न करते हैं कल, जैसे आज की जो मार्केट है वो US मार्केट रिटर्न करना शुरू करती है, तो कहानी जो है वो बदल सकती है। अगर मैं यहाँ देखूँ डाउ जोन्स के बारे में, डाउ जोन्स 150 पॉइंट से नीचे आ गया, मैंने लाइव एनालिसिस के अंदर भी बात की थी और वही काम हुआ, मैंने उनको बोला देखो यहाँ पर दो सिनेरियो बन रहे हैं, पहला ये फ्लैग बन रहा है जो टूटने के बाद यहाँ तक जा सकता है, दूसरा ये M पैटर्न बन रहा है और ये रेड कलर की लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो बैरिश हो जाएगा और मार्केट बैरिश हो गया। अब ये वाला टारगेट है इसका, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ तक आएगा, कब तक आएगा, कैसे आएगा, उसके पैसे बनेंगे अंदर भी। और अगर नीचे ही क्लोजिंग देता है बिना रिकवरी के, उसका मतलब है कि कल आपको एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर नजर बना कर। ठीक है, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल डे।